टोडा भीम उपखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में संचालित सेवा कुंज धर्मशाला के मैनेजर द्वारा आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने सोमवार सुबह मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को दिया है। जैसे ही मृतक का शव उसके गांव बजट पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया तथा पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गयी। गौरतलब है कि रविवार सुबह मेहंदीपुर बालाजी स्थित सेवा कुंज धर्मशाला के मैनेजर यादराम प्रजापत के द्वारा आत्महत्या करने का मामला गर्माया रहा। इस दौरान मृतक का एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें एक दर्जन से अधिक लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। वहीं उक्त मामले को लेकर परिजनों और ग्रामीणों के द्वारा धर्मशाला के बाहर शव रख कर देर शाम तक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान टोडा भीम पुलिस उपाधीक्षक अमर सिंह मीना एवं थाना अधिकारी ब्रजेश मीना सहित पर्याप्त मात्रा में पुलिस के जवान तैनात रहे और वहां धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों और परिजनों से पुलिस प्रशासन के द्वारा काफी समझाइश के प्रयास किए गए। दोपहर बाद पहुंचे करौली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश जैव के द्वारा भी ग्रामीणों और परिजनों से वार्ता की गई। प्रदर्शनकारियों एवं प्रशासन के बीच रविवार देर शाम तक सहमति नहीं बनी। उसके बाद देर शाम मृतक का शव टोडा भीम के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड के द्वारा सोमवार को सुबह मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इससे पूर्व पोस्टमार्टम के बाद परिजन एवं ग्रामीण का शव लेने को तैयार नहीं हुए तथा टोडा भीम पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राजकीय अस्पताल से उपखंड कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताए तथा आरोपियों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई। जिसके बाद टोडा भीम विधायक पृथ्वीराज मीना के द्वारा दूरभाष पर वार्ता के दौरान आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई एवं सरकारी मुआवजा दिलवाए जाने के आश्वासन पर परिजन और ग्रामीण शव लेने को राजी हुए। इसके बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मृतक के शव का दाह संस्कार करवाया गया।